महादेव दोस्तों, तो आज की हमारी यात्रा है रुद्रनाथ महादेव की। तो हमारा सफर अभी बस आधे घंटे में स्टार्ट होने वाला है। हम गुड़गांव से निकलेंगे गाड़ी लेके और डायरेक्ट हम पहुंचेंगे सागर। तो रास्ते में मैं आपको दिखाऊंगा, वैसे तो लास्ट टाइम भी हम होके आ चुके हैं इस रूट पे, तो हमारे ये महादेव जी रह गए थे, हमने यहाँ की यात्रा की नहीं थी, सोचा था अगली बार करेंगे। तो हमारे साथ व्लॉग में बने रहो यार एंड तक, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला, आगे क्या क्या आएगा, रस्ते की ट्रेकिंग सब चीज मैं आपको दिखाऊंगा। लेट्स स्टे ट्यून्ड विद अस, हर हर महादेव। तो दोस्तों अब अपना रुद्रनाथ का ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं सदर और यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा। मैं आपको तो चलिए मैं आपको पूरा रस्ते का व्यू देता हूँ, लेट्स स्टे ट्यून्ड विद अस। हाँ भाई कुलदीप, जय भोलेगी जय भोलेगी। तो दोस्तों अब हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। यहाँ से जो डिस्टेंस दिखा रहा है वो दिखा रहा है 18 किलोमीटर का, बट ये 18 किलोमीटर का होता नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपका अप्रोक्सीमेट 24-25 किलोमीटर के करीब होता है। तो ये है आपका एंट्री गेट जहाँ से आप अपनी यात्रा स्टार्ट करोगे। और हमने सेकंड लास्ट डे, क्योंकि अब क्या है रुद्रनाथ बाबा के कपाट बंद होने वाले हैं, बंद होने से एक दिन पहले ही हमने यात्रा स्टार्ट की थी। हमारा टारगेट है कल तक हम पहुंच जाएं, अगर हम कल तक नहीं पहुंचेंगे तो हम बाबा के दर्शन नहीं कर पाएंगे। ये देखिए आप व्यू देख रहे हैं, ये सगर गांव का विलेज है। जैसे ही आप सगर गांव क्रॉस करेंगे उसके बाद आपको ये देखने को मिलेगा। इसके बाद एक दिन पहले हमने अप्रोक्सीमेट 2 घंटे का ट्रैक करके, 2 एंड 2.5 आवर का ट्रैक करके हम एक पुंग बुग्याल एक जगह है वहाँ तक हम पहुँचे, जहाँ पर हमने अपना नाइट स्टे किया। और नाइट स्टे करने के बाद अगले दिन फिर से हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे, क्योंकि जितना कवर हो जाए उतना ही बेटर है। तो दोस्तों नेक्स्ट डे पुंग बुग्याल से स्टार्ट करने के बाद हम ल्यूटी क्रॉस करते हुए अब फॉरेस्ट के चेक पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, जहां से आपको नीचे ली हुई पर्ची यहां आपको फॉरेस्ट ऑफिसर को दिखा के चेक करानी पड़ेगी, उसी के बाद आप आगे जा सकते हो। तो भाइयों जैसे ही आप फॉरेस्ट एरिया क्रॉस करोगे तो उसके बाद भाई बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत आपने ये सारे पहाड़ देखने मिलेंगे, आपका मन बहुत खुश हो जाएगा। पर जैसे ही आपने यह दूरी दिखेगी आपका दिमाग भी ख़राब हो जाएगा गैल गैल, क्योंकि भाई ये छोटा ट्रैक नहीं है, इस ट्रैक ने हड़के मना लियो भाई, अच्छे अच्छे की हालत ख़राब कर दिया करे। रुद्रनाथ आप देख सकते हो, ये रुद्रनाथ महादेव का रुद्र रूप देखने के लिए इतनी आसानी से भगवान आपको दर्शन नहीं देंगे। तो हो सके मेंटली और फिजिकली पूरे तैयार रहें तभी आप इस ट्रैक पे आ सकते हैं। तो आप चारों तरफ देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है, यो हमारा बाबा आगे चल रहा है धीरे धीरे, छोटे छोटे कदमों के साथ अपने मंजिल की तरफ बढ़ते हुए। आप ये देख सकते हो सामने हिमालय पर्वत है, ऐसा लग रहा है जैसे हम फ्लाइट में बैठे हैं और बादल हमारे नीचे हैं, पर हम हिल्स पे चल रहे हैं। इसके बाद हमें और नीचे जाना है, तब मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। तो दोस्तों पहले दिन हमने ट्रैक किया 2.5 आवर, नेक्स्ट डे हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया 6:30 पे और हम फाइनल टेंपल तक पहुँचे अराउंड 2:30। तो कंप्लीट पूरा नॉन स्टॉप हमने ट्रैक किया तब जाके हम पहुँचे। ये सामने आप देख सकते हो आपको पहाड़ दिखाई देंगे, जहाँ से हमें टेंपल की तरफ जाना, जो टेंपल का रास्ता है वो कभी उतरता और चढ़ता है। तो दोस्तों फाइनली अब हम मंदिर पहुंच चुके हैं रुद्रनाथ महादेव के, क्योंकि कल कपाट बंद हो जाएंगे, बंद होने से पहले यहाँ पर नीचे से माता की डोली आती है, नेक्स्ट डे फिर बाबा भी नीचे जाएंगे। तो अब आप सामने देख सकते हैं कि हम डोली को, जितने भी यहाँ की कमेटी है यहाँ के मेंबर, सब लोग नंगे पांव डोली को लेके नीचे तक जाते हैं। तो अब हमने भी अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया है वापस टेंपल की, वापस नीचे सगर गांव की तरफ जाने का। तो जितना टाइम हमें आने में लगा था अप्रोक्सीमेट उतना टाइम ही हमें जाने में लगेगा। तो हमारी खुशकिस्मती ये थी कि हम डोली के साथ साथ नीचे जा रहे थे, जो कि बहुत सालों में हल्कि एक पीढ़ी एक ही बार ये देख पाती है कि डोली जाते हुए, डोली के साथ साथ पीछे पीछे हमारे बाबा वो भी नीचे गोपेश्वर मंदिर में आके रुकेंगे। अब डोली पहुंच चुकी है ल्यूटी में और ल्यूटी पहुंचने के बाद
यहाँ पर जितने भी फूड के या कैंप स्टॉल है वहाँ हर जगह ये डोली रुकती है, वहाँ बाबा का भोग लगता है, भोग खिलाने के बाद अगले डेस्टिनेशन की तरफ जाती है। सामने आप देख रहे हो ये हमारे महादेव बाबा जो अब ऊपर से मंदिर से छोड़ के नीचे गोपेश्वर मंदिर में आके विराजमान हो जाएंगे, जो कि अगले साल 2025 में दोबारा से जब द्वार कपाट खुलेंगे तब इनको दोबारा वहाँ ले जाया जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी पहले पीछे एक भोग लगाया है, भोग लगाने के बाद और अब डोली में नीचे सगर गांव की तरफ जाते हुए, क्योंकि नीचे दो गांव हैं, एक बार डोली जो आती है वो एक गांव में जाती है, फिर दूसरी बार जब भी होता है तो नेक्स्ट गांव में जाती है। तो दोस्तों मैंने आज आपको पूरा रुद्रनाथ ट्रैक के बारे में डिटेल व्यू बताया है, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और आपका अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट ट्रैक पर, तब तक के लिए हर महादेव।